हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहता हूं आईटीआई की जितनी भी वैकेंसीज आती है या फिर कोई भी अप्रेंटिसशिप के बारे में, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको आने वाली वैकेंसीज की मिस ना हो। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एक नोटिस आई हुई है CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की ओर से। जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ था, जो कि 3/7/2022 जिसकी लास्ट डेट थी। दोस्तों, जिसकी लास्ट डेट, यहाँ पे इन्होंने एक लेटर आया हुआ है, इसमें बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया है। तो ये एक्सटेंशन कितनी तारीख तक किया है? 8 अगस्त 2022, यानी कि अब आप फॉर्म को, जिन्होंने भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो ये बहुत बढ़िया मौका है फॉर्म को फिल करने का, कि इन्होंने टाइम को एक्सटेंड कर दिया है। तो 8 अगस्त 2022 इन्होंने टाइम को बढ़ा दिया है। टोटल यहाँ 79 पोस्ट थी टेक्नीशियन आईटीआई ट्रेड की, इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर जैसे काफ़ी ट्रेडों के बारे में वैकेंसी निकली हुई थी। ऑल अदर एंड कंडीशन एक्सेट्रा शैल रिमेन द सेम एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2/2022 डेटेड 4/6/2022, यानी कि 4 तारीख को एक रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाला था, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे 3/7/2022 थी। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 8 अगस्त 2022, यानी कि जिन्होंने भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो वो यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन्होंने साइट बताई हुई www.npl.india.org। तो दोस्तों, चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में, जान लेते हैं कितनी वैकेंसीज थी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए नोटिस की तरफ चलते हैं। तो इनका एक नोटिस आया हुआ था एडवर्टाइजमेंट का, तो देखिए दोस्तों, ये इनका नोटिस है। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे टोटल 79 पोस्टें हैं, टोटल 79 पोस्ट थी, जिसमें अनरिजर्व की 32, EWS की 8 पोस्ट, OBC की 21 पोस्ट, SC की 12 पोस्ट, ST की 6 पोस्ट, इसमें से 3 पोस्टें आपकी रिजर्व थी PWBD के लिए। इसका लेवल पे 19,900 से 63,200 रुपये है, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल पे है। एक ITI के तौर पे अगर आप जॉब की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इससे अच्छा पे आपको कहीं नहीं मिल सकता। 19,900 रुपये टोटल आपका लर्न, आपकी अप्रोक्सीमेट सैलरी हो जाएगी 33,838 रुपये। यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 रखी गई थी जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें, तो सबसे पहले नंबर पे ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में टोटल 17 वैकेंसी थी, जिसमें अनरिजर्व की 7, EWS की 1, OBC की 5, SC की 3, ST की 1 थी। क्वालिफिकेशन की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे 10+ ITI सर्टिफिकेट NCVT या SCVT से होना चाहिए। दोस्तों, कौन सी ट्रेड में? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, या फिर 10th पास होना चाहिए आपको साइंस से, विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 2 ईयर फुल एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन द इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक ट्रेड, और 10th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 3 ईयर ऑफ वर्क। यानी कि यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा मौका है ITI कैंडिडेट के लिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप जो भी जितनी भी होती है, वो ITI कैंडिडेट ही ज़्यादातर करते हैं, और कोई भी नॉन टेक वाला कैंडिडेट जल्दी अप्रेंटिस नहीं करता दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा मौका है ITI कैंडिडेट के लिए। नीचे चलते हैं दोस्तों, सेकंड इलेक्ट्रिकल की है यहाँ वैकेंसी, 17 पोस्ट, इसमें भी अनरिजर्व में 6, EWS में 1 है, OBC में 6, SC में 3 और ST में 1 है। यहाँ पे बात कर ले क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, या फिर सेम कंडीशन इन्होंने यहाँ ही बताई है, 10th आपको साइंस से होना चाहिए, 55% मार्क्स और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिस ट्रेनी के तौर पे, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। दोस्तों, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की वैकेंसी थी, तो यहाँ पे ITI वालों को के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी G3 इंस्ट्रूमेंटेशन की, यहाँ पे ITI आपको इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए। टोटल 11 पोस्ट है, इसमें अनरिजर्व की 4, EWS की 1, OBC की 4, SC की 1 और ST की 1 पोस्ट है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे
फोर नंबर की पोस्ट है कंप्यूटर की दोस्तों। यहाँ पे आपको 11 वैकेंसी है टोटल, अनरिजर्व की 4, EWS की 1, OBC की 3, ST की 2 और ST की 1 है टोटल। यहाँ पे 11 पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट PWBD की रिजर्व करके रखी गई है दोस्तों। यहाँ पे भी आपको ITI होना चाहिए और कौन सी ट्रेड से, कोपा से, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट ट्रेड से। बाकी सब बिल्कुल ऊपर की तरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पे एक लास्ट वैकेंसी है आपकी फिटर ट्रेड में, यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है, अनरिजर्व की 1 है, EWS की 1 पोस्ट है, OBC की 1 है, SC और ST की 1-1 पोस्ट है। यहाँ पे ITI होना चाहिए आपको फिटर ट्रेड से। बाकी सब इन्होंने सेम रखा है कि 10th प्लस साइंस ट्रेड से होना चाहिए, प्लस 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो 2 साल की, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द फिटर ट्रेड, यानी कि ITI वाले कैंडिडेट ही कुल मिला के यहाँ पे एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ड्राफ्टमैन सिविल की, जिसमें टोटल 4 पोस्ट है, अनरिजर्व की 1, EWS की 1, OBC की 1 और SC की 1 पोस्ट है टोटल। आउट ऑफ 4 पोस्ट यहाँ पे एक पोस्ट रिजर्व रखी गई है PWBD कैंडिडेट के लिए दोस्तों। यहाँ पे ड्राफ्टमैन के लिए आपको ITI होना चाहिए ड्राफ्टमैन ट्रेड से दोस्तों। यहाँ पे ड्राफ्टमैन ट्रेड से ITI होना चाहिए या बाकी सब इन्होंने सेम रखा है। 10th होना चाहिए आपको, अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए 2 साल की, तो ट्रेनिंग इन रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन ड्राफ्टमैन सिविल, यानी कि ये ITI के लिए ही पोस्ट है, आप ITI कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट जो नॉन टेक वाला होता है वो ये 2 साल के एक्सपीरियंस नहीं करता है। ये वेल्डिंग की पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, इसमें टोटल 4 पोस्ट है, 1 अनरिजर्व की, 1 EWS की, 1 OBC की, 1 SC की। यहाँ पे आपको वेल्डर से, गैस एंड इलेक्ट्रिक से ITI होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने सेम वही चीज बताई हुई है, गैस एंड इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे ITI वाले कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आपकी मशीनिस्ट की 3 पोस्टें निकली हुई है दोस्तों, यहाँ पे अनरिजर्व की 1, EWS की 1, ST की 1। यहाँ पे आपको मशीनिस्ट ट्रेड से ITI मांगा गया है दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की दोस्तों, यहाँ पे एक पोस्ट निकली हुई है अनरिजर्व की। यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टूल एंड डाई मेकर, तो टूल एंड डाई मेकर की बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं और इसको काफी कम लोग करते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है टूल एंड डाई वाले कैंडिडेट के लिए, जो इसमें फॉर्म को उनको जरूर फिल करना चाहिए। एक पोस्ट है अनरिजर्व की, यहाँ पे टूल एंड डाई मेकर से, डाई एंड मोल्ड ट्रेड से ITI होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है आपका डीजल मैकेनिक की, यहाँ पे एक पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पे आपको ITI होना चाहिए मैकेनिक डीजल या मैकेनिक डीजल इंजन ट्रेड से। नीचे नेक्स्ट वैकेंसी टर्नर की आपकी, तो इसमें टोटल 1 पोस्ट है अनरिजर्व की, यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको टर्नर ट्रेड से। नेक्स्ट है आपकी सीट मेटल, यहाँ पे एक पोस्ट है आपकी सीट मेटल से दोस्तों, अनरिजर्व की एक सिंगल पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों। ITI सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए सीट मेटल वर्क ट्रेड से दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ ग्लास ब्लोअर की पोस्ट निकली है, जिसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व की। यहाँ पे ग्लास ब्लोअर में आपको साइंस के साथ 55% मार्क्स एज इट इज होना चाहिए और ITI ग्लास ब्लोअर से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की एक पोस्ट निकली हुई, जिसमें अनरिजर्व की पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे आपको ITI मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से आपको ITI होना चाहिए। तो इसकी लास्ट डेट बढ़ चुकी है दोस्तों, तो प्लीज इसको टाइम रहते अप्लाई कर दें, ये काफी अच्छा मौका है। काफी ऐसी ट्रेड भी निकली हुई है जिनकी वैकेंसी आजकल आ नहीं रही है, जैसे कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की आपकी, ग्लास ब्लोअर की नहीं आई है, टूल एंड डाई मेकर की, शीट मेटल की और टर्नर डीजल मैकेनिक की भी वैकेंसी नहीं आती, टूल एंड डाई मेकर की नहीं आती, बाकी ड्राफ्टमैन टर्नर मशीनिस्ट इनकी वैकेंसी आती रहती है वेल्डिंग की। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी इसका सिलेबस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वो चीज़ आपसे मिस ना हो। ओके, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।